एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है? इसका उत्तर है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं आँखों से संपर्क करके? इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? उसका उत्तर होगा छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों के समूह के बीच द्वंद के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? इसका उत्तर होगा बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तदानुभूति है? इसका उत्तर होगा किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौकस रावण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा सभी व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति, गैर मौखिक अभिव्यक्ति, ये सभी आवश्यक होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर होगा व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें? इसका उत्तर है सुरक्षित और स्वीकृत। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। स्कूल आवलिक कक्षाओं में स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार के हैं? इसका उत्तर है संवेदनशीलता और देखभाल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है दृष्टिकोण जानना। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो सबमिट पे आएगा, सबमिट कर दीजिए। ये रहा आपका स्कोर बोर्ड। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अगले मॉड्यूल के भी उत्तर जल्दी ही आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकें।